बिल्कुल युवा, आज समझेंगे अगर गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होती है तो उससे मदर और बच्चे पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, बेबी पे स्पेशली क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किसी लेडी को खून की कमी है, जैसे नॉर्मल 11 ग्राम होना चाहिए, अगर उससे नीचे है 7, 8, 9, कुछ केसेस में 4, 5 भी होता है, तो उससे मदर और बच्चे पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि खून की कमी से बेबी पे भी असर आता है और मदर पे भी आता है, दोनों के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड से ही न्यूट्रिशन शरीर को मिलता है। अगर बच्चे की बात करें तो अगर किसी लेडी के अंदर खून की कमी है तो उनका जो बच्चा पल रहा है, एक तो वो वज़न में कम हो सकता है, तो लो बर्थ वेट हो सकता है, जल्दी डिलीवरी हो सकती है, इसके अलावा बच्चे में पानी भर सकता है, खून की कमी हो सकती है, बच्चे को डिलीवरी के बाद ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें डेवलपमेंट डिले हो सकता है, मतलब कि जो आर्गन है वो सही से डेवलप ना हो, सही साइज में डेवलप ना हो। और इसके अलावा अगर स्पेसिफिक किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण एनीमिया हो रही है, जैसे फोलिक एसिड की कमी हो रही है, उस केसेस में उसका ब्रेन और स्पाइन हो सकता है ना बने, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। तो खून की कमी से बच्चे में इस तरह के असर हो सकते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है और वो जल्दी पैदा हो सकता है और उसमें खून की कमी हो सकती है। अब अगर मदर की बात करें कि मदर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा खून की कमी होने से, अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान 4 या 5 रहता है या 6 ही रहता है, 7 रहता है, उस केसेस में मदर पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़रूरी प्रभाव है, एक तो खून की कमी में जैसे आता है कि थकान लगना, कमजोरी लगना, चिड़चिड़ापन लगना, कोई काम करने में मन ना लगना, और इसके अलावा जो मदर है उसमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, खून की कमी से इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है, डिप्रेशन काफ़ी सारी महिलाओं को फीलिंग आती है, और डिलीवरी होने के बाद भी ये जो खून की कमी है बनी रहेगी, उससे वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगी। और किसी लेडी को खून की कमी रहती है तो उससे उनके जो मानसिक लेवल है उस पर भी असर पड़ता है, काफ़ी सारी महिलाएं डिप्रेशन में जाती हैं या काफ़ी सारी महिलाएं तनाव में रहती हैं। इसके अलावा काम करने में, चलने फिरने में, सांस जल्दी जल्दी फूलने लगना, तो ये सारे बदलाव भी महिला के अंदर आते हैं अगर खून की कमी रहती है तो। और इसके अलावा अगर खून की ज़्यादा कमी हो जाती है, बहुत कमी है, 2-3 ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया, उस केसेस में हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, हार्ट फेलियर का खतरा रहता है, हाइपोटेंशन का खतरा रहता है, तो ये भी मदर के अंदर प्रॉब्लम होती है खून की कमी होने से। तो अगर किसी लेडीज़ को खून की कमी है तो मदर के अंदर इस तरह के बदलाव आते हैं और बच्चे के अंदर भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। इसलिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि खून प्रेगनेंसी के दौरान एक ऑप्टिमल लेवल रहे, कम से कम 10 ग्राम से तो ऊपर ही रहे, 10 से नीचे रहने में ये सारी समस्याएं होने के चांसेस बहुत रहते हैं। उसके लिए आजकल टैबलेट्स आती हैं गर्भावस्था के दौरान दी जाती है, जो कि ANM है या आशा वर्कर है उसके द्वारा, या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हो या प्राइवेट जगह से भी ले सकते हैं, जिसमें आयरन की टैबलेट है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है, प्रोटीन पाउडर रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि खाने से ये पूरे न्यूट्रिशन ना मिले, और खाने से बहुत सारे लोगों में ये हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। अगर न्यूट्रिशियस खाना खाया जाए तो वो बेहतर ऑप्शन है, लेकिन कई बार लोगों को खाने के बावजूद भी नहीं बढ़ता। तो किसी भी हालत में ये जो कमी है प्रेगनेंसी के दौरान होती है, उसको हमें करेक्ट करके रखना है, नहीं तो इस तरह की समस्याएं मदर और बच्चे दोनों में हो सकती है, और जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी उसमें बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और कई बार जो डेथ का भी ये कारण बनता है, मदर की भी डेथ का कारण बनता है और बच्चे की भी डेथ का कारण बनता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मौतें होती हैं, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के पीरियड में या डिलीवरी के समय मौत के कारणों में एक प्रमुख कारण है खून की कमी। आप इसके इम्पोर्टेंस को समझे होंगे कि खून क्यों ज़रूरी है गर्भावस्था के दौरान, उसको चाहे हम जिस तरीके से बढ़ाएं, लेकिन हमें उसको 11 या उसके आसपास रखना चाहिए, 11 से ऊपर है तो बेहतर है, नहीं तो 11 के आसपास रहें, मतलब 10 से ऊपर रहे। ये सारी बातें हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर खून की कमी होती है तो क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी थी। मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी को अच्छे से प्लान करने के लिए।